रूस के बीच कब्जे की जंग अब तेज हो चुकी है। कीव में रूसी सेना की ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने पर आमादा हो चुका है रूस। जी हां, लगातार कीव में बम बरसाने या बम धमाके की आवाज सुनाई दी जा रही है और कल रात से ही लगातार रूस ने अपने एयर स्ट्राइक्स को और तेजी से बढ़ा दिया और ये बात लगातार सामने आ रही है कि किस तरीके से अब कीव में रूस यूक्रेन के बीच जंग बहुत तेज हो गई है। यूक्रेन में तबाही मचा रहे क्या रूस को चौतरफा घेरने की तैयारी है? क्या अमेरिका रूस में कुछ बड़ा करने की तैयारी में है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों से जल्द रूस छोड़ने के लिए कहा है। बड़ी खबर यह भी है कि रूस ने जर्मनी समेत 36 यूरोपीय देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। सोमवार को बेलारूस में हुई रूस और यूक्रेन डेलीगेशन के बीच बैठक बेनतीजा रही। ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। इस बीच अब व्लादिमीर पुतिन ने रूस के परमाणु हथियारों को कंट्रोल करने वाली फोर्स को अलर्ट कर दिया है, जिससे रूस पूरी दुनिया को यह धमकी दे रहा है कि वो जरूरत पड़ने पर अपना न्यूक्लियर बटन भी दबा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 6 दिनों से जंग चल रही है। जंग के बावजूद रूस को अब तक कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या रूस अब परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। कीव में रूसी सेना की बमबारी में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। कीव में इमारतों को निशाना बनाकर रूस लगातार हमले कर रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें देखिए जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि कैसे कीव में रूसी सेना की बमबारी से खास तौर पर यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंच रहा है। कीव में इमारतों को निशाना बनाकर रूस का हमला अभी भी जारी है। कहा जा रहा है कि हाई राइज बिल्डिंग के साथ साथ अब बड़े कॉम्प्लेक्सेस को भी टारगेट कर रहा है, यानी वो रिहायशी इलाके जहां पर ना सिर्फ स्कूल कॉलेजेस बल्कि हॉस्पिटल्स भी हैं, उनको भी टारगेट कर रहा है। और याद होगा कि आपको कल भी रूस ने ये चेतावनी दी थी या फिर एक आदेश दिया था या ये कहा था कि जो कीव में लोग नागरिक हैं वो निकल जाएं इस हाईवे पर, इस एक हाईवे को उन्होंने बताया था कि किस तरीके से इस हाईवे से आप निकल सकते हैं। लेकिन अब कल रात से ही बातचीत के बाद से ही लगातार रूस अब ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और एक और खबर, एक और अपडेट आप तक पहुंचा दें कि किस तरीके